दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों महान सपूत, पक्के देशभक्त और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी। आज से 84 साल पहले 23 मार्च 1931 का वो दिन जब इन तीन महान देशभक्त वीरों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसका गवाह बना भारतीय इतिहास, जिसने इन तीनों को फांसी के फंदे को गर्व से गले लगाते देखा। इन तीन महान देशभक्तों के रग रग में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति थी। अपने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए तीनों ने अपने सर पर कफन बांधकर देश को आजाद कराने का प्रण लिया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों का बस एक ही सपना था, अपने प्यारे देश को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने का। जहां एक तरफ भगत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के चलते अंग्रेजों के सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और भागे नहीं, वहीं डटे रहे, तो राजगुरु और सुखदेव ने भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजी अफसर सेंडर्स का वध किया था और अंग्रेजी शासकों को कदम पीछे खदेड़ने पर मजबूर कर दिया और इस बात का एहसास दिला दिया कि अंग्रेजी शासन का अंत नजदीक है। तीनों 23 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते पूरे भारत के दिलो दिमाग पर छा चुके थे। इनका आंदोलन इस कदर गहरा चुका था कि आखिर इन्हें मौत की सजा मिल ही गई। दिन था 24 मार्च शाम 6 बजे, लेकिन अंग्रेज इनसे इतना डरे हुए थे कि उन्होंने इन तीनों वीरों को 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी के फंदे से लटका दिया, जिसे इन अमर शहीदों ने गर्व से गले लगा लिया। इस दिन पर बात करना, इनके बारे में बताना, ये हमारा दायित्व है, क्योंकि देश पर मर मिटने वाले महानायक सदियों में बस एक ही बार जन्म लेते हैं। देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीद करतार सिंह सराभा के जद्दी गांव सराभा, जो कि लुधियाना से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है। करतार सिंह सराभा के जद्दी घर का जायजा लिया गया, तब वहां के हालत कुछ और ही थे। गांव के लोगों से खास बातचीत की गई, लेकिन करतार सिंह सराभा के जन्म दिवस के मौके पर उनके जद्दी गांव में श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाले गए। हालांकि पुरातन विभाग की ओर से करतार सिंह सराभा के जद्दी घर को संभाला जा रहा है, लेकिन देव सराभा उनके घर की देख रेख कर रहे हैं। करतार सिंह सराभा के शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए देव सराभा और उनके गांव के नौजवान की ओर से नई शुरुआत की गई है, जिसमें शहीद करतार सिंह सराभा को शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए 1,00,000 हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। मेरा नाम जसमीत है, मैं शहीद निहाल सिंह जी की पोती हाँ। शहीद भगत सिंह जी के नाल मेरे दादा जी बम ब्लास्ट वगैरह करते थे। मैं बड़ा दुख होंदा है जो मैं शहीदों के बारे च करतार सिंह सराभा जी या भगत सिंह जी बारे, देखो कौमी शहीद का दर्जा तो दिता नहीं हाले तक नहीं सरकार ने, यह किहो जी सरकार है। पहले तो देश के सेवक सच्ची सुची सुथरी जड़ी राजनीति करते सी, अजकल की राजनीति जड़ी है वह कहते हैं शेर बनन गए, शेर लट गए फांसी, गिदड़ बन गए राजा। इन्हों कोई मतलब नहीं है शहीदों के परिवारों के नाल या शहीदों की कोई भी बई, असी कोई एक दिन रखिए दिन दिहाड़ा मनाइए, कोई मतलब ही नहीं। जिथे शहीद ने कभी तो उन्होंने उग्रवादी कह देंगे, कभी उन्होंने डाकू कह देंगे। ये ने साडे अजकल दी सरकारां ये काम कर रही, जिन्होंने देश को आजाद कराया इन्हें तसीए सहे, उन्हों का कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कोई असी दर्जा दईए या कोई शहीद दिहाड़ा मनाईए या शहीदों का दर्जा दईए, उन्होंने कोई मतलब ही नहीं है। ये सरकार ने अजकल दी पहले जोड़े राजनीति से उन्होंने सोच आती सी, जोड़ी सोच सी देश के प्रति मोह, इनकलाबी सोच आती सी और देश के प्रति प्रति कुर्बानी। अजकल दी सरकारां जड़ियां ने ओ रोंदियां ने कुर्सी नूं, ठीक है, वह कोई ये नहीं सोचदियाँ कि असी बस जिथे हैगा या पैसा मुक्तर है या सरकार दिया जिथे हैगा उस कुर्सियां मुक्तर ने, होर तो कोई उन्होंने मतलब ही नहीं है, ठीक है। केड़ी सरकार आन के इतने सत्कार करी या उन्होंने कुछ देख रही पई है, कोई परिवारों नूं देख रही आन के, कम से कम उन्होंने एक याददाशा नूं ताजी कर दे, वो इन्हां कोल है नहीं। अज शहीद के जन्मदिन मना रहे, तुम लगता है कि क्यों कौमी शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, कोई सरकारी प्रोग्राम नहीं है इतनी? तो जी ये बारे तो सरकार दस सकती ने कि अज शहीदों को क्यों नहीं याद कर दी, क्यों भुल गई सरकार, जिन्हों शहीदों ने अपन कीमती जाना देश के उत्तर नसाबर कर दतियाँ,
अज जिहड़ियां साडियां समें दियां सरकारां ने ओह क्यों नहीं शहीदां नूं बणदा सरकार उहनां नूं कौमी शहीद दा दर्जा। खैर कल्ला कौमी शहीद दा दर्जा ही क्यों, असीं तां इह तक कहिंदे आ वी उहनां नूं भारत रत्न दा खिताब देना चाहीदा वा जिन्हां ने साडा देश आजाद करवाया। 200 साल की गुलामी साडे पैरां ला के गल दे विच्चों सानूं याद करवाया। अज 70 साल बीतण दे उपर हो गया वा ते साडियां जिहड़ियां सरकारां ने उहनां नूं शहीद मनण नूं तैयार नहीं। ये बहुत वड्डी दुख वाली गल आ जी, इहदे उत्ते सानूं अज बहुत लाणता पाउणे आ सरकारां नूं, क्यों साडे शहीदां दा सत्कार नहीं करदियां, क्यों नहीं उहनां नूं कौमी शहीदां दा दर्जा दिंदियां।